उत्पाद का वजन, विक्रय पर्ची व बिक्री करार का तैयार किया जाना और उत्पाद की बैगिंग एवं लोडिंग। इन सभी प्रक्रियाओं के समाप्त होने के बाद किसान के खाते में धनराशि स्थानांतरित की जाती है। मैंने अपना चना कास्ट एक कृषि बाजार में बेचा, 14,187 का पेमेंट बना, इस पेमेंट से मैं संतुष्ट हूँ। इसके बाद उत्पाद की लोडिंग की जाती है तथा एग्जिट गेट पर कंप्यूटर के माध्यम से निकासी रसीद तैयार की जाती है, जिस पर लॉट संख्या, उत्पाद, व्यापारी का नाम, किसान का नाम एवं अन्य जरूरी जानकारियां होती हैं। तो इस प्रकार ई नाम की प्रक्रिया समाप्त होती है।